क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतार दिया गया और फिर वहां जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सत्य चमत्कारी घटना की शुरुआत होती है दिल्ली के यादव नगर से। इस नगर में रहने वाले सभी वासी बड़े ही प्रेम और एकता के साथ यहाँ रहा करते थे। एक समय की बात है जब उस कॉलोनी के सभी सीनियर सिटीजन्स ने बस द्वारा अमरनाथ जाने की योजना बनाई, जिसके बाद उस कॉलोनी के 12 बुजुर्ग जोड़े अपने घर वालों की अनुमति लेकर बस के माध्यम से अमरनाथ जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। वो लोग दिल्ली से बस करके श्रीनगर जा रहे थे, जिसके बाद उनका अगला पड़ाव पहलगाम था। वहीं से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाती है। लेकिन जब उन्होंने श्रीनगर तक का आधा रास्ता पार कर लिया था, तब वो एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके हुए थे। तभी वहाँ एक अनजान साधु आ करके उनकी बस में बैठ गए। वो बस के कोने में बैठकर ध्यान अवस्था में लीन हो गए। किसी की नज़र उन पर ना पड़ी और बस आगे के लिए रवाना हो गई। कुछ देर बाद बस कंडक्टर ने उन्हें देख लिया और उनकी ध्यान अवस्था तोड़कर उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इस बस में क्यों चढ़े। उन साधु महाराज का कहना था कि मैं भी बाबा बर्वानी के दर्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि उस साधु महाराज के पास पैसे नहीं थे तो बस कंडक्टर ने उसी समय उन्हें जलील करके बस से बाहर निकाल दिया। वो साधु महाराज बाहर जाकर पुनः ध्यान अवस्था में बैठ गए और बस फिर से आगे बढ़ गई। लेकिन उन सभी यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि उन साधु महाराज का अपमान उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। जब आगे बस ने 10 किलोमीटर का सफर तय किया तो अचानक से बस का टायर पंचर हो गया। जहाँ बस रुकी वो जंगली इलाका था। बहुत ही मुश्किल से बस का पंचर बनाया गया और वो पुनः आगे की ओर रवाना हुई। लेकिन ठीक 10 किलोमीटर बाद पुनः उस बस का टायर पंचर हो गया, जिसके बाद फिर से पंचर बनाया गया। लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। पंचर बनाया जाता और बस थोड़ा चलने के बाद पुनः पंचर हो जाती। देखते ही देखते पूरी रात निकल गई, लेकिन अभी तक भी श्रीनगर का आधा ही रास्ता पार हुआ था। सभी के मन में चिंता सताने लगी थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम श्रीनगर कब पहुंचेंगे। तभी उस बस कंडक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अब समझ आया कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये उन साधु महाराज के अपमान का ही नतीजा है। जिसके बाद उस बस को वहीं छोड़कर वो बस कंडक्टर अपने एक साथी के साथ टैक्सी करके उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने उस साधु महाराज का अपमान किया था। और गौरतलब बात तो ये थी कि उसी स्थान पर वो साधु महाराज अभी भी ध्यान अवस्था में मौजूद थे और कंडक्टर और उसके साथी दोनों ने उन साधु महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी और उनके साथ जो भी घटना घटित हुई उन्हें सब कुछ बताया और उनसे विनती की कि आप कृपा करके हमारे साथ अमरनाथ यात्रा पर चलिए। दोस्तों, साधुओं की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है, ना तो उन्हें सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय। उन्होंने कुछ ही पलों में उस बस कंडक्टर को माफ कर दिया और उनके साथ बस वाले स्थान पर पहुँचे। उन्हें बस का पंचर बनाया गया और साधु महाराज को सम्मान के साथ बस के अंदर बिठाया गया और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद जब बस रवाना हुई तो वो सीधा श्रीनगर जाकर ही रुकी, जिसके बाद पहलगाम पहुंचकर उन 12 जोड़ों ने उन देव साधु महाराज के सानिध्य में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत की और बाबा बर्फानी के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ओडिशा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर ओडिशा के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं कि किंग कोबरा के काटने से सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है, परंतु आजकल एक ऐसी ही घटना ओडिशा में चर्चित हो रही है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया, फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना को सुनने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, ओडिशा के नादारामपुर में शालिनी नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। शालिनी हर किसी की मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय का वो विरोध करती थी। यही कारण था कि शालिनी के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में शालिनी करीब 8 साल की थी, तब वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं शालिनी से कुछ दूरी पर ही झाड़ियों में से एक नाग नागिन का जोड़ा उसे देख रहा था। जमीन पर बिखरा दूध देख वो तुरंत शालिनी के पास आ गए और दूध पीने लगे। वहीं शालिनी उन नाग नागिन को देखकर डरने के बजाय बहुत खुश हो रही थी।
दोस्तों उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में भरकर आंगन में रख दिया करती थी और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी भी लेता। एक बार जब शालिनी अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी के स्टूडेंट्स वहाँ जो भी हो रहा था उसे देख नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु शालिनी उसके सामने हो रहे दुराचार को देख सहन ना कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन 3 लड़कों को जोर से तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चंगुल से बचाया कि तभी वहाँ भीड़ सी लग गई और लोग शालिनी के सपोर्ट में आ गए। उस समय वो 3 लड़के वहाँ से चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त शालिनी के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और तुमसे जरूर बदला लेने की कोशिश करेगा। इस बात पर शालिनी हंस दी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों एक बार शालिनी को एक्स्ट्रा क्लास के कारण कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले लगभग सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेली ही अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी बीच रास्ते में वही 3 लड़के जिन्हें शालिनी ने थप्पड़ मारा था उसका इंतजार करते मिल गए। वो शालिनी से बदला लेने का ही इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने शालिनी को जबरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी की दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वो शालिनी को पकड़कर रेलवे ट्रैक के पास पहुँचे तभी वही नाग नागिन का जोड़ा जिसे शालिनी दूध पिलाया करती थी अपना फन फैलाए उन लड़कों के सामने खड़ा था। कहते हैं कि आपके द्वारा की गई किसी भी तरह की अच्छाई किसी न किसी तरह से आपके पास लौट ही आती है, किसी न किसी तरह से आपके पास वापस लौट ही आती है। ऐसा ही कुछ हुआ शालिनी के साथ। वो नाग नागिन का जोड़ा शालिनी को बचाने आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देख 3 लड़के डर गए और शालिनी को भागने का बढ़िया मौका मिल गया। वो खुद को बचाकर अपने घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। परंतु तभी अचानक उनमें से एक लड़के ने बड़ा सा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत वहीं पर मर गया। और फिर वो लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वो 3 लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा, उन्होंने ट्रेन की पटरी पर नाग के शरीर को डालकर ट्रेन के नीचे कुचलवा दिया। नागिन दूर झाड़ियों में से ये सब देख रही थी। नागिन बहुत गुस्से में थी। जब वो लड़के अपने घर जा रहे थे तो नागिन भी उनसे कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा करने लगी। जब लड़के अपने घर जाकर रात में सो रहे थे तो नागिन ने चुपके से उन 3 लड़कों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला ले लिया। दोस्तों इस तरह उस नाग ने खुद के प्राण देकर शालिनी को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी भी जानवर से यदि तुम प्यार करो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय महाकाल।